हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सभी एग्जामों में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम संविधान की किताब के बारे में बात करते हैं। ये किताबें जो हैं ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक सभी एग्जामों में दिया जाता है इसमें से क्वेश्चन, जिसे मौर्य द्विवेदी का है। तो चलिए इसको अच्छे से दिखाते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये किताबें जो है, और ये भारत की राज्य व्यवस्था जो PCS और IAS में इसके दिए जाते हैं। दोनों के किताबों को अगर पढ़ लेंगे तो PCS IAS दे सकते हैं। और ये किताबें तो ऑल एग्जामों के लिए है। ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, मौर्य द्विवेदी का है। परीक्षा वाणी की किताबें बहुत अच्छी होती हैं। जब भी आप किताबें लें तो यहाँ संशोधित संस्करण जरूर देख लें। ये हमारी किताबें जो है 2016 की है, और आप जब भी जाएँ तो 21-22 का लीजिएगा। ये इधर भी से सूची है। भारतीय संविधान इतिहास है, उद्देश्य नागरिकता मूल अधिकार है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इधर जैसे संविधान एवं देश का के बारे में दिया गया है, इधर क्वेश्चन भी लगाने के लिए दिया गया, ऑप्शन क्वेश्चन। और जब इधर लास्ट में आएंगे 19 वाले अध्याय में, तो आपको इधर भारतीय संविधान का भाग मिल जाएगा, जिसे भाग 22 है, इस समय बढ़ गया है। और ये अनुसूचियाँ होगी, पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। ये अनुसूची से रिलेटेड है, कब संशोधन हुआ था, ठीक है। फिर इधर संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद हो गया आपका पूरा, देखिए ये अनुच्छेद है। और इधर अनुच्छेद जब ख़त्म होगा, इधर 395 अनुच्छेद इसमें दिया गया है, और जब नहीं लेंगे तो उसमें दिखाएगा। और फिर भारतीय संविधान संशोधन है, ये संशोधन कितने हुए थे, तो कुल लगभग 100 संशोधन हुए थे, लेकिन अब बढ़ गया है। तो नई जब किताबें लेंगे तो उसमें जो है सब दिया रहेगा। इधर ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए हैं। और इस किताब का जो मूल्य है, हमें तो 120 में मिला था, अभी इसमें जितनी भी प्राइस हो तो जाके ले सकते हैं। ये जो किताबें हैं PCS और IAS के लिए है, ये पंचम संस्करण है। अब जाके आप नए एडिशन में जो है ले लीजिएगा। ये भारत की राज्य व्यवस्था है, सिविल सेवा की परीक्षा हेतु, और ये एम लक्ष्मीकांत की है। सबसे ज़्यादा जो है लोग लक्ष्मीकांत को ही पढ़ते हैं। इस किताब में लक्ष्मीकांत वाले में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे देख सकते हैं। और इधर देखिए चैप्टर ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो गया, फिर इधर से लाइनर क्वेश्चन, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन जो है नहीं मिलेंगे। देखिए इधर से तीसरा चैप्टर हो गया, इधर लाइनर है, बस लाइनर है, ऑप्शन वाले ऑप्शन नहीं है इसमें। इसीलिए जब लास्ट में आएंगे इधर, तो UPSC का जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे 1993 का क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मतलब सेट पेपर का, और इसमें जितने सब इधर है पूरा जो है इसमें सेट दिया गया है, पेपर ऑप्शनल है, कैसे कैसे प्रारंभिक का है, प्री का, ये सन भी दिया गया है, कितने सन में दिया गया है, 2009 का है, 2011 का है। और ये नई एडिशन में जब लेंगे ना, तो आपको यही चीज़ें जो है संशोधित करके मिलती है। पुराना लेंगे तो पुराना, और बाद में इधर उत्तरमाला मिलेगा कौन सा क्वेश्चन सही है, तो आप आराम से मिला सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो दिया गया है, ये मुख्य परीक्षा मेंस का है, UPSC का है। जैसे 93 में सारे क्वेश्चन इतने पूछे गए थे, 94 में पूछे गए थे, 95 में, ये संविधान के क्वेश्चन हैं, इतने सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे मेंस में। देखिए 2001, 2002, 2006, 5, 4, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ये हम किताब जो है 2016 में ख़रीदे थे, इसलिए बस 15 तक दिया गया है। इसीलिए दोनों किताबों को पढ़ना है। अगर आपको संविधान के बारे में पढ़ना है तो दोनों किताबें पढ़िए। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है, और ये जो है PCS और IAS के लिए है, दोनों के लिए। और ये दोनों किताबें पढ़ते हैं PCS करने वाले, IAS करने वाले सभी लोग। जो लोग जॉब पा गए हैं वो भी पढ़ते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी। वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी ढेर सारी किताबें हैं तो हम आपको बता देंगे।